तो सर अभी हमारे यहाँ से लोग बना शुरू किया है और मेरा दोस्त ने सारा पैसा पिया लिया। नहीं खरीदवाया अभी कैसे पी अरे साल यो व्हाट्सअप ऑल गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज सुबह सुबह मैं उठ चुका हूँ और उठ के ऐसे बैठा नहीं हुआ हूँ क्योंकि बाहर तो अभी कहीं जा नहीं सकते। तो पिछला वाला ब्लॉग आई होप यू एंजॉय अ लॉट क्योंकि अच्छे अच्छे कंटेंट्स हम आपके लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं बट आ नहीं पाता है तो हम क्या करें भाई। मेरी कोशिश तो पूरी रहती है 100% आपको देने की बट थोड़ा सा कैमरा का क्वालिटी वाला नया फ़ोन ही घर वाला नहीं दिला रहे हैं घर वालों, तो मैं क्या करूँ। नए फ़ोन की बात करते हैं तो लाज जूते की बात होने लगती है, तो यही सब कुछ बच्चे के साथ प्रॉब्लम होता है। और फ़ोन का क्वालिटी इसलिए थोड़ा गंदा है क्योंकि कैमरे के अंदर धूल मिट्टी डस्ट चला गया है उस दिन जो मैं गया था ना, इसीलिए डस्ट थोड़ा ज़्यादा चल गया। तो इसको क्लीन करवाना पड़ेगा जाके शॉप पे, तो उसके बाद ही थोड़ा क्वालिटी सही हो पाएगा क्योंकि रात में, अभी दिन में तो सही रहता है लाइट की वजह से बट रात में अगर रिकॉर्ड करता हूँ तो वो जो थोड़ा सा डस्ट है ना वो प्रॉब्लम करता है। तो यही है कुछ सीन। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कंटिन्यू कीजिए। तो हे गाइस, आज काफ़ी दिनों बाद हम लोग आए हैं अपने हनुमान मंदिर पे। हमारे साथ कुणाल जी भी हैं, सभी बच्चे जो ठंडे के दिनों में खेलते थे कैरम बोर्ड, तो आज हम लोग काफ़ी दिनों बाद कैरम बोर्ड खेल रहे हैं ठंडी के बाद क्योंकि गर्मी में खेल नहीं पाते थे। तो आज संडे है, संडे क्या ही बताएं, अभी सबका समर वेकेशन चल रहा है तो हम लोग खेल रहे हैं। तो आप लोग क्या बोलना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? सर अभी हमारे यहाँ से लोग बना शुरू किया है और मेरा दोस्त ने सारा पैसा पिया लिया। कुछ बोलेगा, धोखा है क्या? क्वींस, अरे रुको, खरीद बहु 1, 2, 3, 4, 5 30 लाख 20 का कमी ई पी आई तो सटल हो अपने अपने हाथ भाई हेड नहीं खरीदवाया अभी कैसे पी अरे हम लोग खरीदेंगे। क्या बोलना चाहेंगे आप इस निशाने पे? मैं बहुत दुख हूँ। मुझे क्यों से हमारे चोट लगा कि नहीं बताओ तो? चोट लगा तुम्हारा मुंह बता रहा है कि हड्डी टूट गया। ये हो गया ब्लॉग। तो गाइज अभी हम लोग रात को निकल गए ऐसे घूमने के लिए, बहुत दिनों से रात में नहीं घूमा था तो थोड़ा रात का भी वीडियो दिखा देता हूँ। और मैं माइक आज अपने मुंह के पास लगाया हुआ इसीलिए इतना आवाज़ क्रिस्टल क्लियर होगा। और सामने देख सकते हैं पुलिस वाले चचा जुगाड़ में कि कैसों ट्रक वाला को रोके और दो चार गो ट्रक वाला से कमाई हो जाए कुछ। मतलब यही सब है बिहार में, देख सकते हैं इधर एगो पैदलों चल रहा है साइकिल वाला के आगे पुलिस वाला, यही सब है। मतलब यहाँ पर बिना घूस का तो पुलिस का काम नहीं चलता है, आप हर चौक चौराहे पर घूस होते ही रहता है। और ये बस वाला को देख रहे हो गाइज, ऐसा ही बस वाला सब एनएच पे एक्सीडेंट करवाता है। इसके पीछे कुछ नहीं, लाइट जल रहा था, ये कार के पीछे तो जल रहा है। फिलहाल अभी हम इस जगह से जा रहे हैं, यहाँ पे हमारा भी एक बार एक्सीडेंट होने से बचा था बहुत भीषण, बट अब इसमें बैरिकेटिंग कर दिया है, बीच से घेर दिया है। नहीं तो पहले इधर से उधर लोग जाता था तो थोड़ा उधर से भी पुलिस वाले चाचा जा रहे हैं। तो यही सब कुछ बातें हैं। और ये जो पुल है ना गाइस, सबसे डेंजर पुल है हमारे इलाके का क्योंकि यहाँ पे हमेशा किसी न किसी को छीन लेगा। अगर आप बाइक से रहते तो अक्सर बाइक वाले को ही छीनता है क्योंकि कार वाला तो उड़ा के चला जाएगा ना, बाइक वाले को हाथ देता है रुक जाते हैं या वो लोग भी बाइक से रहते हैं आपको रगे देंगे, चेस करके पकड़ लेंगे, उसके बाद आपका पैसा वैसा छीन लेंगे। बाइक तो नहीं छीनता अभी तक, रेयर केस में ही बाइक छीना है, लेकिन पैसा वैसा फ़ोन वोन सब कुछ आपका छीन लेगा। तो यही सब कुछ चीज़ें हैं इस पुल पे, थोड़ा डेंजर है बट इसमें रात में पुलिस भी पहरा देता है। अभी चलिए अभी देखते हैं, फिलहाल दे रहा है कि नहीं, पीछे तो दे रहा था, वही पुलिस वाला इधर भी आता है। ये सब सदर थाना क्षेत्र हाजीपुर के क्षेत्र में पड़ता है। तो यही सब कुछ बातें हैं। पुल में लाइट कैसे जल रहा है, ये बहुत बड़ा अचंभव वाला बात है। पुल पर लाइट हमेशा गाइस नहीं जलता है, मतलब रेयर केस में ही लाइट जलता है, देख रहे हैं बस वाला, यही सब रात में एक्सीडेंट करवाता है। पीछे कोई लाइट उट कुछ नहीं है इसके, कोई कार वाला आएगा 100-120 में या उड़ा के चला जाएगा, बेचारा कहेगा कि कार वाला की गलती था, इसको पता नहीं था कि इसमें लाइटें नहीं जलता था, तो इसीलिए रात में पता नहीं चलता है। ये सब देख सकते हो, पुल में लाइट जो है बताएं आपको कि रेयर केस में जलता है, मतलब ऐसे हमेशा नहीं जलते रहता है क्योंकि क्या पता सब पैसा खा के सूझ जाता है, बिहार है जनाब। तो अभी पुल से उतरते ही गाइस, जो पुल से उतरने वाला भी जगह है बहुत डेंजर जगह है। यहाँ पे एक बार मेरे आँख के सामने एक ऑटो का एक्सीडेंट हो गया था, मैं जा रहा था जैसे अभी जा रहा हूँ वैसे ही मैं धीरे धीरे पीछे पीछे से जा रहा था और सामने से एक ऑटो जा रहा था और एक हाईवा वाला रोक दिया अचानक और टर्न ले लिया और ऑटो ब्रेक मारा फिर भी हाईवा में जाके सट गया, बट किसी को कुछ हुआ नहीं था, उसमें ऑटो का शीशा वीशा ही फूट गया था। यहाँ से गाइस रोड का लाइट ख़त्म हुआ और अपने गाड़ी के हेडलाइट पे हम लोगों को काम चलाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग
तो बलोड़ो चल गया भाई, यही पैशन प्रो लेके यही बात है, गरीबी वाला बाइक है ये पैशन प्रो, चलता ही नहीं, स्पीड ही नहीं भागता है, थोड़ा सा चाहिए स्पोर्ट्स बाइक रहता तो मज़ा आ जाता, नहीं तो लूना से चलिए, लूना से सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो फिलहाल अपने रेलवे फाटक के पास मतलब आ गए, यहाँ से रेलवे फाटक दूर नहीं है, पेट्रोल पंप से हमारे घर का रास्ता अंदर जाता है, तो यहाँ से फिलहाल हम करते हैं अपने माइक को ऑफ, क्योंकि हमें जाना है रॉन्ग साइड से बीच से कट लेके, जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। तो हे गाइस, अभी तो मैं फिलहाल अपने घर आ गया हूँ, और क्या ही बताऊँ, आज रात को घूमने गया था, बहुत दिनों बाद बाइक से, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। एनएच पे पुलिस वगैरह भी रात को घूमते रहता है, क्योंकि उस साइड जहाँ पे मैंने आपको पुलिस दिखाता हूँ, वहाँ चोरी बहुत होता है, बाइक वालों को रोककर और उनसे बाइक वाइक छीन लेता है, तो इसीलिए एनएच है, बट फिर भी होता है बंदूक के सहारे। तो आज के दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं लोग, तो यही सब बातें हैं, बट और सब तो क्या ही बताएं, ठीक है। और बाइक से घूमे रात में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, तो आप लोग इसीलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बन जाइए इस फैमिली का। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक टाटा।